नमस्कार दोस्तों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आप सभी को सपनों की बातें बताते हैं, तो दोस्तों आइए हम सभी चलते हैं सपनों की यात्रा करने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सपने आते हैं वो हमारे जीवन में उनका बड़ा महत्व होता है। जो कुछ कल घटने वाली घटनाएं होती हैं उनको सपने अपने माध्यम से हमें बताकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर कोई सपनों का फल नहीं जानता, लेकिन सपने शास्त्र के अनुसार हर सपना कुछ कहता है। तो दोस्तों, सपना तो कुछ ना कुछ कहता ही है, लेकिन अगर हम कभी बुरे सपने देखते हैं, कभी कभी तो बहुत कष्टदायक सपने देखते हैं, बार बार अगर आपको भी बुरे सपने आते हैं, उनका परिणाम भयावह होता है, आप बहुत डरावने सपने देखते हैं, तो दोस्तों अशुभ स्वप्न के निवारण के लिए बहुत सरल उपाय आज हम आपको बताएंगे। अगर सुबह आपकी आँख खुलती है और आपको बहुत बुरा सपना दिखता है, उसका बुरा परिणाम होने वाला है, तो दोस्तों आप अगर ये कार्य करेंगे तो आपका जो है वो स्वप्न तक ही कष्ट रह जाएगा। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं, अब अगर आपने कोई बुरा सपना देखा तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को ना सुनाएं। दोस्तों, आप गुरु ब्राह्मण गौ की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें और गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, भगवान शिव की उपासना करें, दीन दुखियों को दान दें, भगवान के नाम का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करके इष्ट देव का ध्यान करें। और दोस्तों, भगवद गीता, रामचरित इत्यादि का पाठ करें और आप फिर अनिष्ट होने से जो उसका परिणाम है उसके निवारण से अशुभ स्वप्न निवारण का जो ये उपाय हमने आपको बताया, तो दोस्तों इस तरह से आप भी बच सकते हैं। तो दोस्तों यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए नई नई रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। बस आपको करना इतना है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे हर सपनों की जानकारी आप तक पहुँचा पाएँ हम आसानी से और आप भी सतर्क हो पाएँ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।